मूवमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्स्पीरेशन दो एज वॉज कस्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा था बार बार वो लोग फौज पे काम कर रहे थे ठीक है तो बार बार क्या है वहां पे जो को, uh, कोल की जो uh, धूल है वो बार बार वहाँ पे लग जा रही थी ठीक है तो उसको हटाना पड़ेगा साफ करना पड़ेगा वना आग बुझ जाएगी ठीक है तो आदमी जा रहे थे और उसको जाके थोड़ा सा स्टर कर रहे थे मैंने उसको हिला रहे थे जिससे उसकी धूला साइड हो जाए लेकिन उतनी देर में वो इतना गर्म था कि लोगों का पसीने छूट जा रहे थे ठीक है पर्स्पिरेशन मैने पसीना ठीक है वो नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट मतलब तो जो आदमी था उसके पास क्या था एक लॉन्ग शर्ट की लंबी सी और वुडन शूज वो पहनते थे वु लेदर होगा तो चिपक जाएगा पेर में इसी के लिए वु पहनते थे and, uh, sorry, मैंने क्या स्क्रीन शेयर नहीं किया ना सॉरी 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 वन सेकेंड लेटम नाउ यू कैन यू कैन यू सी द स्क्रीन ठीक है यहाँ से mm. ठीक है तो ऑल द टाइम all the time there were sounds they all the time there were sounds to be heard in the forge the big bellows groaned and the burning coal cracked the fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter ko samajh mara matlab iska aditya dubey's paragraph ka bellows groaned uh -huh. matlab sir ah इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फौज थी वहां पे बहुत आवाज थी ठीक है forge फौज आवाज तो होगी ठीक है वहां पे लोहा गला रहे हैं तो आवाज तो होगी तो ऑल द टाइम साउंड हर्ड इन द हमेशा के अंदर आवाजें आती थी अलग अलग ठीक है द बिग ग्रोन एक्चुअली क्या होता है ना uh, एक डिवाइस होता है जिससे हवा फेंकी जाती है ठीक है तो जब भी आप हवा फेंकते थे आग के अंदर जिससे आग और बड़े यू नो ऑक्सीजन जो होता है सपोर्ट करता है कंबक्शन को तो वहां पर ना बड़े बड़े डिवाइस होते थे जो हवा फेंकते थे तो जब वो हवा फेंकते थे तो ग्रोन करते थे ग्रोन का मतलब होता है आवाज निकाल दर्द में कराने को हम लोग ग्रोन बोलते हैं तो बड़े बड़े बेलॉस से आवाज आती थी ठीक है और जो कोल है वो क्रैक होता था कट पट करके जो कोयला है जब वो जलता था तो वो टूटता था तो उसकी भी आवाज आती थी और वहां पे एक फायर बॉय था माने फायर बॉय जो उसका काम है कोयला डालना आग में ठीक है शॉवल तुमको पता है वो क्या होता है ना क्या बोलते हैं अपन हिंदी में जिससे हम लोग वो कोयला उठा के डालते हैं ना क्या बोलते हैं उसको अः फावड़ा फावड़ा बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में ठीक है तो द फायर तो बार -बार अंदर इन फेंक रही थी ठीक है जो कोल थे वो कर रहे थे तो देर वॉज लॉट ऑफ नॉइज ग्रेट डील ऑफ क्लैटर का मतलब बहुत सारे कंफ्यूज नॉइज ठीक है तो इतना हल्ला हो रहा था वहां पे कि एक नॉर्मल आदमी जाएगा तो किस इतना हल्ला है तो कुछ सुनेगा ही नहीं ठीक है आउटसाइड रोड द वॉटरफॉल एंड द शार्प नॉट विंड द द रेन अगेंस्ट ब्रिक टिल्ट रूफ ठीक है और बाहर बाहर में क्या हो रहा था था एक तो झरना भी था, उसकी भी उसकी आवाज आ रही थी ठीक है और जो वहां से विंड चल रही थी वो झरने का पानी को रूफ के ऊपर गिरा रही थी तो वहां पे भी टप 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 बारिश हो रहा था कहने बारिश नहीं हो रहा था वो उसका जो झरने का पानी है वो उधर गिर रहा था कहने का मतलब ये है ओवरऑल मतलब ये है कि वहां पे बहुत आवाज थी ठीक है उस आवाज का फायदा किसको हुआ उस आवाज का फायदा इस रैट इसको हुआ ठीक है जो रैट जो ट्रैप वाला था इसको उसको फायदा हो गया ठीक है क्यों क्योंकि इतनी आवाज में किसी ने देखा ही नहीं कि वो फौज के अंदर घुस गया ठीक है वो तो नहीं पूछेगा मैंने ऐसा पूछ सकता है कि कैसे नहीं, 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 वो अंदर बहुत ही पूछेगा नहीं लेकिन तुम लोग बता खाली राइटर ने यूज किया है कि ऐसे कौन किसी के अंदर माने किसी के एरिया में घुस सकता है लेकिन वहां पे इतनी आवाज थी कि वो चुपचाप से आया किसी ने देखा नहीं ठीक है इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइज द ब्लैक स्मिथ डिट नॉट नोटिस द मैन है गेट एंड एंटर द फॉज अंटिल हिस्सू क्लोज अप ऑन टू द फर्नेस ठीक है तो बोरा इसी कारण क्या हुआ कि जो ब्लैक स्मिथ है वो उसको देख नहीं सका ठीक है

ओके okay. तो बोल रहा है कि फौज के अंदर में नॉर्मली कोई आदमी अंदर आ जाए वैगा मतलब हो गया, बंजारा टाइप का आदमी जो इधर उधर घूम रहा है जिसको कहीं जाने का जगह नहीं है ठीक है अगर वो लोग रात को ऐसे फौज में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पूछो क्यों नहीं है बड़ी बात क्योंकि तो वहां इतना ठंड है ना अगर कोई आदमी बाहर सोएगा तो डेफिनेटली मरी जाएगा ठीक है तो वहां के लोग भी मना नहीं करते थे अरे किसी को बाहर मरा हुआ देखने से तो अच्छा है कि उसको अंदर बुलाई लो ठीक तो है क्योंकि अंदर गर्म है बाहर बहुत सर्दी है ठीक है विंटर है एकदम स्नो है वहां पर और सूटी पेंस का मतलब होता है जो खिड़की होती है ना उसके ऊपर धूल चिपक जाती है क्योंकि वहां पे कोल का, का काम हो रहा है तो कोल का चारकोल की जो धूल है सूट बोलते हैं जिसको वो इस विंडो पेंस में चिपक जाती थी ठीक है तो उससे धुंधली धुंधली लाइट बाहर जा रही होती है तो उस लाइट को देख के बहुत सारे वैगा जो है वो फौज के अंदर आ जाते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अच्छी बात है आ जाओ ठीक है एंड टू कम एंड टू वॉर्म सेल्व इन फ्रंट ऑफ द फायर द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ट ओनली कैजुअली एंड इन एट द इंट्रूडर अब जो ब्लैक स्मिथ है वो ऐसा अपना काम में बिजी था उसने देखा ये कौन घुस गया मेरे और में लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था उसको देख के कोई इंटरेस्टेड उसको थोड़ा सा ऐसे देखा इग्नोर किया ठीक है ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डेड तो मैंने वो जो जब उसको देखा था वो वैसे ही था जैसे वैसे लोग होते हैं मैंने जो तुम देखते हो ना भिखारी टाइप के लोग कैसे होते हैं लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैगेड फटा पुराना कपड़ा बड़ी बड़ी दाढ़ी एंड अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन इज चेस्ट तो टिपिकली था जैसे लोग होते हैं मॉन्ड्र जैसे होते हैं आपको और कैसे लोग मिलेंगे ठीक है गंदा सा दिख रहा था बड़ी बड़ी दाढ़ी थी नहाया नहीं बहुत दिन से गंदा था वो उसके कपड़े फटे पुराने सारे और उसके गर्दन से रैट ट्रैप्स लटके हुए थे ठीक है

ठीक है नॉट वेरी मैंने नॉट वेरी वेलकम है ना हॉटी का मतलब बेसिकली हो गया कि एंग्रीली बोलो या यानफुल हाँ चल 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 बढ़िया कोई कोई नहीं है बैठना बैठ चल अंदर ऐसे करते हैं ना नहीं करते अपन जैसे मैंने कोई आके बैठ गया वाला, ठीक है गया, चल ठंड के दिन में ऐसा होता है ना कि तुम आग सेक रहे हो बाहर में कहीं पे और कोई आदमी को ठंड लग रही है वो आ गया तुम नाला चल चल तुम भी सेक ले चल कोई बात नहीं तो उसका बैठ जा द गया द्राम का मतलब भिखारी बोल लो बेगर डिड नॉट से एनीथिंग था, जो, था, वो जो आदमी था वो भी कुछ नहीं बोला उसको तो खाली सोना था रात को टाइम पास कर रहा था वो भी चुपचाप से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कोई इज्जत करे या नहीं करे वो भी अपना जाके चुपचाप से लेट गया ठीक है उसको बोला चलो आज रात तो कट गई काम हो गया ठीक है इन दोज डेज राम जो आयरन मिल वे ओन्ड बायरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर अब हो रहा है ये जो मिल है उस दिन जिस आदमी के पास में था ठीक है, वो उसका मन ये था कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बनाऊन तो यही था कि मैं अच्छी का में दू। इसके लिए वो बार -बार मिल में आके चेक करता था वो जो मालिक था वो बार बार आके चेक करता था कि सामान सही से बन रहा है कि नहीं वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट दर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल एंड एट दिस वेरी मोमेंट केम टू दन ऑफ दशन तो वो बार बार आके चेक करता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं क्योंकि वो अच्छा क्वालिटी का सामान देना चाहता था तो वैसे ही उसका मालिक इंस्पेक्शन करने के लिए उस दिन रात को उस फॉर्ज में टहलते टहलते पहुंच गया चेक करने के लिए कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है समझ में आ गया बात को तो वो भी आ गया भी भी अब फौज में कौन है जो जो मेन आदमी है वहां का जो ब्लैक स्मिथ है वो है वो जो ट्रैम्प है हमारा वो रैट ट्रैप जो है वो आदमी है वो है और अभी मालिक भी आ गया ठीक है The 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 first thing, naturally the first thing, thing naturally, saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam फर्स्ट थिंग नेचुरलीज सॉज टॉल रेगा तो क्या देख रहा है कि ragamuffin मफिन का मतलब होता है person in dirty clothes लिख लो जनरली रेगा मफिन बच्चों के लिए यूज होता है जब बच्चे खेलते हैं ना तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले वो आके देख रहा था कि ये कौन आदमी है जो इतना के पास आ गया है

तो ये क्या किया ये जो मालिक था ये सीधा उस आदमी के पास आया चेक करने के लिए कौन है फिर जब उसको करीब से देखा तो उसने अपना हैट को जो कि एक तरफ बेंट था स्लाउच का मतलब एक तरफ बेंट था उसको उठाकर चेक कर रहा है कि ये है कौन? उसको यह तो क्लियरली देखना चाहता है उसका चेहरा ठीक है उसको एक्चुअली लग रहा है कि ये कोई आदमी है जिसको वो जानता है ठीक है तुम बताओ कोस नील्स ओल ऑफ तुम तो निल्स ओ लॉफ हाउ डू यू लुक हाउ डू यू लुक अरे नील्स तुम तुम यहां कैसे तुम कितने डिफरेंट लग रहे हो

सर वो मतलब उसको एकदम से मना नहीं करना चाहता था कि मैं मतलब तुम्हें जान नहीं रहा हूँ नहीं तो उसको वो रात में भगा भी सकता नहीं यहाँ पे कुछ और है आधा बात तुमने ठीक बोला कपल ऑफ क्रोनर क्या मतलब है कपल ऑफ क्रोनर मीन क्या होता है अरे क्रोनर करेंसी है रुपया तो उसको क्या लगा अरे जान पहचान might... का आदमी है थोड़ा सा हेलो हाई करूंगा मेरा हालत देख के तरस खाएगा शायद

excellent, meaning you should not have resigned from the uh, regiment, said the iron master that uh, that was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course you, you will come home with me. Hmm. Kya तो उसको तो लग रहा है कि ये हाँ, बोलो आर्मी रेजिमेंट की बात करें हाँ, तो वो लोग किसी वो बोलते दोनों रेजिमेंट में संघ में थे ठीक है है तो तो इसको इसको लगा मैं तो आ गया इसको रेजिमेंट रिजाइन नहीं करना चाहिए था वहां पे एक माने क्या नाम सार्जेंट होगा या कर्नल वहां पे कुछ होगा सोल्जर होगा वहां पे तो बोला तुमको रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था ठीक है बोला जब तक मैं सर्विस में था तब तक तो मैं तुमको निकलने नहीं था पर मैं निकल गया तो आप क्या कर सकते हैं ठीक है अब तुम क्या करोगे अब तुम मेरे संग मेरे घर चलोगे ठीक है तो वो उसको कोई और आदमी समझ रहा है और उसको फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ठीक है चलो तो सर ये डायरेक्टली मना क्यों नहीं कर रहा? करेगा ना मना जाएगा थोड़ी वो <laughs> आगे तो पढ़ो कि एक ही लाइन में सारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा मिस्टर आदित्य दुबे पढ़ो टू गो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल

मेरे को उस घर में नहीं जाना है ठीक है चलो ट्रैम ट्राम का मतलब बेगर भिखारी अच्छा, चलो नो नो आई कूडेंट थिंक ऑफ इट ही बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे थो... किसी के घर नहीं जाना मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा वो बोला अरे यार ये तो फंसने का बात हो गया यार मैं क्यों जाऊँ उसके घर और नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा और फिर तो उसको ध्यान भी आ रहा है कि उसके पॉकेट में 30 करोना चुराया हुआ अगर बात फैल गई तो वो पैसे भी जाएंगे और अब मैं नहीं जा रहा <laughs> चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीड ही 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 थॉट ऑफ 30 करोना टू गो अप टू द मैनर हाउस बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस टेन ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द and then sneak away as uh, in, uh, conspicuously. in in conspicuously conspicuously अवे in इनकॉन्सपीक्सली conspicuously मतलब hidden या not seen, निकल in consp conspicuously, तो in conspicuously का मतलब होता है मेरा तो वो बोल रहा कि मेरा काम तो ये है रात को यहाँ सो सुबह रास्ता पूछो और चुपचाप से बिना किसी के दिखे माने without सीन यहां से निकल जाओ तो कौन इन इनकॉन्सपीक्सली का मतलब होता है हिडन ठीक है नॉट सीन बाय एनी बडी एज पॉसिबल यहां से निकल जाओ ठीक है चलो तो एक सेकंड मीनिंग

पर इसके कपड़े इतने गंदे हैं ना इसी के लिए इसको सरम आ रहा होगा और ये मेरे घर जाना नहीं चाहता ठीक है तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि आदमी गलत है उसको लग रहा, कि ये सरमा के नहीं जा रहा है घर ठीक है तो ये उसके लिए बोल रहा है क्या बोल रहा है प्लीज डोंट थिंक यू कैन नॉट शो सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी

दुबे का तो घर बहुत बड़ा है भाई ठीक है हम लोग का उतना तो बड़ा नहीं है ठीक है एलिजबेथ इज डेड एलिजेब मैंने उसकी वाइफ बोली मेरी वाइफ मर गई तुमको पता ही होगा तुमने सुना ही होगा और मेरे सारे लड़के जो है वो विदेश में है अब्रॉड में तो घर खाली है खाली घर में, में मेरी ओल्डेस्ट डॉटर है ठीक है और हम है और तुमको पता होगा जनरली जो क्रिसमस होता है वो क्रिश्चियंस लोग का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस टाइम वो लोग ज्यादा से ज्यादा गेस्ट बुलाना चाहते हैं घर पे ठीक है माने जैसे हम लोग दिवाली पे सबको बुलाते हैं ना इकट्ठे होते हैं जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा वैसे उनका क्रिसमस में भी होता है ना वो चाहते हैं कि जितने गेस्ट आए ज्यादा से ज्यादा लोग आए हम लोग संग में सेलिब्रेट करें एक बड़ा त्यौहार करें तो जैसे दिवाली में हम लोग को घर में अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है है ना वैसे ही उनको क्रिसमस में भी पसंद नहीं होता कि वो अकेला रहे अच्छा क्रिश्चियंस लोग बहुत इंजॉय करते हैं कि अगर उनके घर में कोई रिलेटिव या कोई गेस्ट आता है तो मैंने दे फील प्राउड की चलो कोई गेस्ट आया हमारे घर में ठीक है मैंने गेस्ट आ वेलकम तो यहाँ पर भी ये सोच रहा है कि चलो क्रिसमस के टाइम पे कोई गेस्ट तो आया घर पे तो वोरा कि तुम घर चलो हम लोग खूब एंजॉय करेंगे संग में खाएंगे पिएंगे तो वो थोड़ा सा एडमंट है उसको इनवाइट करने के लिए ठीक है चलो बट द स्ट्रेंजर्स से नो नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन लेकिन वो तो आ गया as... <laughs> अरे भैया समझा दूं ना इसको लेकिन जो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन मतलब सर तो मैं तो भैया को रुकने के लिए बोल रहा हूँ ना अभी नहीं रुकता तो ट्रेन तो, 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 तो आगे पैराग्राफ में चली गई थी मुझे तो पता तुझे नहीं समझ में थोड़ा आस्ते से पढ़ ले भाई कौन सा तेरा ट्रेन छूट रहा है <laughs> जब समझा रहा हूँ तो पूरा ही समझ ले अच्छे से ठीक <laughs> है माने वो इतना बार ना ना कर रहा था कि आर मास्टर को समझ में आ गया कि उसको उसकी बात माननी पड़ेगी ये जिद्दी हो गया जिद कर रहा है माने होता है ना कभी कभी बोला अच्छा ठीक है यार नहीं आ रहा तो नहीं सही उसको समझ में आ गया कि ये जाएगा नहीं ठीक है तो वो इतना बार रोला ना 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 मैं नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा मुझे नहीं जाना मैं मुझे जाना तो वाला ठीक है चलो नहीं जा रहा तो ना सही कोई बात नहीं ठीक है चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मैं बुक इसके बाद डायरेक्ट एग्जाम के पहले उठा अरे तुम भैया बड़े आदमी हो चलो यहाँ से पढ़ो तुम खाली पढ़ो तुम, तो... तुम खाली बड़े आदमी नहीं हो सीबीएसई के जितने लड़के वीडियो देख रहे हैं वो सब बड़े आदमी हैं <laughs> सब एक दिन पहले ही सब एक है लेजेंड लेजेंड नहीं है लेजेंड का स्पेलिंग क्या होता है पता ये होता है लेजेंड का स्पेलिंग क्या जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ लेजेंड मैं जान रहा हूँ सर आप बोलते हैं बस उनका दौर खत्म हो गया उनका लेग लास्ट लेग पे है वो <laughs> चलो यहां से रीड करो <laughs> मैं इस इसी में था सर मेरे ट्रेजर टूर में थ्री लेसन आने थे और मुझे लास्ट नाइट में पेपर था अगले दिन और मैं लास्ट नाइट फोन करके अपने फ्रेंड से से पूछ रहा हूं। कौन कौन तीन लेसन भाई बता <laughs> उसके बाद बोल रहा है लीजेंड तो उसी टाइम पे जब आपकी वीडियो खुला है तो आपने बोला अब आप लेगेंट देख रहे होंगे मेरी वीडियो <laughs> इसमें कोई प्राउड फील करने का बात नहीं है ये बेवकूफी है <laughs> और सब वो बेवकूफी हो गई थी उस टाइम हां वो तो खाली मयंक सर बचा लेते सबको हाँ, सबको बताया मयंक सर है तो क्या डर है लास्ट मिनट में पढ़ लेंगे है कि नहीं हां सर लास्ट मिनट में वो सर वो मतलब दो तीन घंटे में तीन लेसन खत्म हो गए थे <laughs> चलो रीड करो इसको हाँ बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज़ ही वेंट अवे ओ चाचू इसको से. पढ़ो ये पैराग्राफ छोड़ दिया आपने लेजेंड और लेग ये पैराग्राफ पढ़िए

द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन एल तो बोल रहा है देखो भाई जो कैप्टन है वो, वो आज तुम्हारे संग रहना चाहते हैं ब्लैक स्मिथ ठीक है और मैं जो जा रहा हूं तो तुम्हारे संग आज एक संग तो कंपनी है तुम्हारे संग कैप्टन साहब रहेंगे यहाँ पे ठीक है तो ब्लैक स्मिथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा था रहे, नहीं रह भाण में जा सोना है, सो नहीं तो घर जा आई आई डोंट केयर ठीक है तो वो जो है जो क्या नाम है हमारा रेजिमेंट का जो ऑफिसर है वो बोला की आज जो कैप्टन है वो रात को तुम्हारे संग रहेंगे ठीक है चलो तो ये किसकी बात कर रहा है सर रैट ट्रैपर की हाँ जो रेड जो क्या, क्या नाम है वो जो पर्सन है जो हमारा रैट ट्रैपर है उसी की बात कर रहा है हाँ हेलो सर एक सेकंड मीनिंग मीनिंग लिखो मतलब समझा क्या बोला कि आज तुम्हारे संग वो यही रहेगा द मैन विद द रैट ट्रैप्स ओके वाह कितना पढ़े सॉरी बच्चा है, सारे मीनिंग लिख रहा है बढ़िया से वेरी गुड बॉय <laughs> <laughs> जल्दी करो बट ही लाव टू हिमसेल्फ एज यू वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड लेकिन जब वो निकला ना वहां से जो मालिक था वहां का आयरन का जो उसका मालिक था वो हंसते हंसते निकला ठीक है तो ब्लैक स्मिथ को समझ में आ गया कि ये इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है ये वापस आएगा ठीक है कुछ ना कुछ कांड होगा पक्का तो उसको समझ में आ गया ये इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है ये इसको पक्का आज लेकर जाएगा ही रात को ठीक है

then he himself माना इस so, बार उसने परसुएशन uh, per मतलब मनाना कन्विंस कन्विंस करना यस yes. आ ah, अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी से वाह वाह मेरे आदित्य दुबे तुम्हारा तो नाम सुनते गाना याद आता है डुब डुब रेता हूं में तेरी दीवाना बन गया हूं मैं बातों में तेरी अब दिन गुज़र नहीं कटती नहीं डूबे तेरी तस्वीर से हटती नहीं नहीं मैं क्या करूं तू चलो तेरा नाम सुनते मेरा गाना निकलता डूब डूब रहता हूँ तेरी तो क्या किया उसने उसने इस बार अपनी बेटी को भेजा ठीक है खुद तो आया नहीं वो अपनी बेटी को भेजा उसको ऐसा लगा लड़कियों के अंदर स करने का पावर थोड़ा ज्यादा होता है तो वो उसको कर लेगी ठीक है तो लड़की को भेजा जाओ तुम्हारे पास एक तो गेस्ट है उसको लेकर आओ स्मार्ट बॉय <laughs> चलो वेले <laughs> वेले <laughs> meaning... मतलब होता है तुम्हारा मेल सर्वेंट ठीक है मैंने असिस्टेंट बोल सकते हैं तो उसके संग एक आदमी को भेजा उसने वैसे तो उसका मतलब सर्वेंट ही होता है लेकिन आप उसको मेल अटेंडेंट लिख लो ठीक है सी एंटर्ड विद मेल अटेंडेंट partner carrying on his arm a big fur coat she was not at all pretty but seemed modest and quite shy hmm तो उसकी लड़की जो सुंदर नहीं थी लेकिन ठीक है चलो अच्छी थी माने सीधी सादी टाइप की लड़की थी ठीक है इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपीयरेंस स्टिल सेट अप्रेंटाइज अप्रेंटाइज माने उसका असिस्टेंट हां सर Apprentice, मतलब उसका असिस्टेंट जो उसको अरे वैलेट अलग, अलग मतलब, होता है, मतलब हो गया सर्वेंट जो तुम्हारे संग तुम्हारा हेल्प करता है जैसे तुम नहीं देखते होटल्स uh, में होते है ना कि तुमको टावल पकड़ाता है या तुम्हारा मैंने कोई आदमी तुम्हारा सूटकेस ऊपर लेके आके रखता है आर नॉट एग्जैक्टली सर्वेंट वो तुम्हारे हेल्प के लिए होते हैं वैलेट और अप्रेंटाइज मतलब होता है वो आदमी जैसे मिस्त्री के संग उसका हेल्पर नहीं होता है और जो काम भी सीख रहा होता है ठीक है जैसे ड्राइवर के संग नहीं होता खलासी बोलते हैं ना हम लोग जो रहता है जो है। काम भी सीखता है और ड्राइवर को हेल्प भी करता है उसको हम लोग बोलते हैं ठीक है बहुत डिफरेंस है दोनों हाँ बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर में स्टिल सेट ऑन देयर बेंच जब वो उसमें एंटर किया तो कोई खास फर्क नहीं है ठीक है अभी भी जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है वो अपने काम में लगा हुआ है जो उसका असिस्टेंट है वो भी काम में लगा हुआ है ये अपना सोर है आराम से ये तो ऐसे ही आदमी है बेल्ला ये सो रहा अपना आराम से कोई टेंशन ही नहीं है वो आ गई ठीक है दर है फ्लोर एंड लेव द पीस ऑफ बिग आयरन अंडर इज हेड वो आराम से लंबा होके लेटा हुआ है अपने सर के नीचे एक तो आयरन बिग पिग आयरन माने एक लोहा का उसने एक तो लगा कर रखा वो उसको तकिया बना लिया उसको पिलर बना के ले लिया ठीक है एंड इज हैट पुल डाउन ओवर इज आईज और अपना जो हैट है उसको थोड़ा नीचे करके ढक के सो रहा है ठीक है चलो यहां से रीड करो As soon as the young girl caught uh, sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. हाँ तो वो आदमी अपना ऐसे टोपी लगा सो रहा है और वो लड़की आके उसका ऐसे हैट उठा के चेक कर रही है उसको की सोरा कि जगर तो उसको देखते ही ऐसा लगता है चोर होते हैं ना चोर लोग रात को सोते हैं उनको लगता है कब पुलिस आ जाए ठीक है तो एब्रप्टली मतलब होता है एब्रप्टली का मतलब अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज ठीक है तो जैसे उस लड़की ने उसका हाथ ऊपर किया वो एकदम उछला अरे कौन है कौन आ गया भाई उसको लग रहा है कि वो वाला तो आ गया नहीं तो पकड़ लिया उसको ठीक है तो वो क्या नाम है एकदम अनएक्सपेक्टेडली वहां से उठा और वो डरा हुआ था ठीक है वो लड़की थोड़ी स्मार्ट थी वो समझ के ये पक्का कोई चोर है पापा से कोई मिस्टेक हुआ है लेकिन अब पापा से कौन लड़े ठीक है <laughs> तो लड़की उसको बोल रही है माय नेम इज एडला एडलासन क्या माय नेम इज एडला विल द यंग गर्ल म होम एंड सैद यू वॉन्टेड टू स्लीपू नाइट एंड आई परम टू अस आई एम सो सॉरी कैप्टन दैटिंग सच अड टाइम तो लड़की बोली कि मेरे पापा ने बताया कैसे आप घर आना नहीं चाहते और आप इस फौज में सोना चाहते हैं ठीक है पर मैंने पापा से जिद की कि मैं उनको लेकर आना चाहती हूँ एक बार ट्राई करती हूँ तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे मिलने और कैप्टन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपके संग क्या हुआ आप बहुत खराब टाइम आपके आपका बहुत खराब वक्त चल रहा है जानकर मुझे बड़ा दुखी दुख हुआ ठीक है चलो यहां से पढ़ो मतलब दया और प्यार से ठीक है? With compassion, ठीक है है माने जब हमको किसी के ऊपर दया आती है उसको हम कंपैशन बोलते हैं ठीक है तो सी लुकड एट हिम विद कंपैशन अंडर स्ट्रॉग इन कोलकाता चलो रहा यार हम्म मजे सर बाहर जा अरे इतना गर्मी था आज चलो जल्दी से इस पैरा का कंप्लीट करो विद हर हेवी आइज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड हम्म आइदर ही हैज स्टोलेन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल हां तो वो लड़की थोड़ी स्मार्ट थी तो उसको, उसको उसने कंपैशन से देखा सिंपैथी से देखा पिटी माने दया से देखा उसको लेकिन देखा कि ये दया का पात्र नहीं लग रहा है ये घबराया हुआ आदमी है, है। <laughs> कुछ अलग ही कहानी है माने एक होता है ना कि आदमी थोड़ा सा जैसे भूखा है उसने चोरी नहीं की वो भूखा है तो अगर आप उसको दया से देख रहे हो तो उसको लगता है कि आ, चलो कुछ खाने को मिल जाएगा और वो भी थोड़ा दया मतलब उसका चेहरा अलग होता है लेकिन कोई चोरी करके बैठा है ना और तुम उसको दया से देख रहे हो तो बता लग रहा पकड़ा गया यार में उसका लुक अलग होता है है कि नहीं आदित्य दुबे को तो पता ही होगा जब टीचर तुमको चीटिंग करते हुए पकड़ता है क्लास में तो तुम्हारा लुक कुछ दया नहीं होता वो ऐसा कभी हुआ है क्या चीटिंग, नहीं चीटिंग तो नहीं किया अच्छा लेकिन जब आप मेरे को क्लास स्टार्ट करते हैं तो काफी देह हैं उसके हैं क्योंकि तुम एक नंबर के बदमाश हो मुझे पता है <laughs> चलो ठीक है तो, तो उसको समझ में आ गया लेडी को कि ये डरा हुआ लग रहा है

या वन जीरो जीरो लगा देंगे खटका देंगे तुमको पकड़वा नहीं भाई घर चलो ठीक है मुझे पता है मेरे पापा से गलती हो गई है पर तुम घर चलो तुमको हम माने क्रिसमस के बाद छोड़ देंगे ठीक है ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव खाली क्रिसमस के ईव तक यहाँ रहो उसके बाद तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम तुमको जाने देंगे ठीक है चलो He said uh, this such a friendly manner that the red pepper peddler

आप, आपने बोला, आप बोला, हम ना जाएं, से हम तो वैले, वैले था है? उससे उसने क्या नाम है वो फर कोट ले लिया फटाख से अपने अपने जो सड़े कपड़े थे उसके ऊपर फर्क का कोट ओढ़ लिया उसने आराम से ठीक है मैंने बीस रुपए के कपड़े के ऊपर उसने दो हजार कपड़ा ले लिया ऊपर चलो

तो बेचारा एकदम हाँ बोलो डीप बो मतलब क्या होता है बाओ 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 बो नहीं बाओ, बाओ मतलब झुक के दिया लीजिए लीजिए सर आपके लिए फर कोट आदित्य खाना खाइये आइए माने रिस्पेक्ट से बाओ करके उसके सामने झुक के ठीक है और यहाँ पे ब्लैक स्मिथ भी कंफ्यूज है कि ये क्या चल रहा है भाई ठीक है लेकिन उसने जो रेड टैप पैडलर था उसने बिना उसको देखे चुपचाप उसके संग वो निकल गया ठीक है चलो बट वाइल ही वॉज राइडिंग जल्दी जल्दी करो but तीन मिनट बाकी है, है ये पेज खत्म करना हम लोगों को But while he was riding up to the manor house, he had uh, evil forebodings. Evil forebodings. While... Forebodings का मतलब? पता नहीं. पता नहीं. बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने. Forebodings का मतलब होता है कि हमको ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय कुछ खराब हो सकता है. माने बोलते ना a feeling that something bad is going to happen. उसको लग रहा कुछ तो गड़बड़ होने वाला बॉस.

तो अब वो द नेक्स्ट डे वो अ क्रिसमस ईव दूसरे दिन शाम का वक्त था ठीक है और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया रात को आ, डाइनिंग रूम ब्रेकफास्ट करने के लिए आया उसको लगा कि जो आदमी से मैं मिलूंगा वो उसका पुराना रेजिमेंट का आदमी होगा ठीक है तो बड़ा खुश था कि मैं अपने पुराने किसी कॉमरेड से मिलूंगा उसको अच्छे से देखूंगा ठीक है अच्छा लगेगा मैंने एहसान किया उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ऑन बोन्स टू डॉक्टर टेबल

उसके तो यहाँ पे घूमता sure. है ना डैंग बोला डैंगो उसका तरीका ही है चार पांच लटका के घूमता है बेचने के लिए वो चलती फिरती दुकान है अपना एडवर्टीजमेंट खुद ही कर रहा है वो ठीक है इट इज क्वीन दैट्स लास्ट नाइट आई वाज एनीथिंग अबाउट मैन तो उसकी लड़की बोल रही है पापा आप जो बोल रहे हो ना ऐसा लग नहीं रहा है ठीक है और जब मैं उससे रात को मिली थी ना तो उसके अंदर कोई पढ़े लिखे वाली बात नहीं थी मैंने उसकी चाल अगर रेजिमेंट का आदमी होगा तो उसके संग कितना भी बुरा हो जाएगा कुछ तो होगा ना दिखाने के लिए वो पढ़ा लिखा एक तो रेजिमेंट का आदमी है सिविलाइज है ऐसा कुछ लगा नहीं ठीक है मिनट so हाँ तो बस यही तक करेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे मेरे को लगा आज ये खत्म हो जाएगा पर चलो कोई बात नहीं बड़ा चैप्टर है ठीक है तो इसको थर्ड पार्ट में करना पड़ेगा अपलोड करता जा रहा हूं मैं तुम लोग आस्ते आस्ते प्लीज सीबीएसई के बच्चों से रिक्वेस्ट है शेयर करें और हम लोग का वीडियो सब्सक्राइब करें ठीक है करते ही नहीं है पता नहीं क्यों पता नहीं सर के वीडियोस बहुत अच्छे लेकिन आई कैन बेट ऑन इट सर का वीडियो बहुत बढ़िया है अगर आप एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा तो आप प्लीज देखो और सब्सक्राइब करो आदित्य